तो आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं दो 5-पिन सॉकेट और 4 स्विचों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, दो 5-पिन सॉकेट हैं और 4 स्विच है दोस्तों। तो दोस्तों, एक 5-पिन सॉकेट का तो एक स्विच के साथ कनेक्शन करना है और एक दूसरे 5-पिन सॉकेट का भी एक स्विच के साथ कनेक्शन करना है, और बाकी के दोस्तों जो 2 पॉइंट बचते हैं उन्हें हम होल्डर के साथ कनेक्ट करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, जैसे ही हम बोर्ड को उल्टा करते हैं तो किसी तरीके से हमारे सामने पॉइंट नज़र आते हैं और 4 स्विच है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चारों स्विचों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको एक एक जानकारी जो भी हम आपको बता रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखें दोस्तों, चारों जो भी स्विच है दोस्तों, उनको उससे हमें एक एक वायर कनेक्ट चारों स्विचों के साथ कर दिया है। दोस्तों, अब हम न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल वाले पॉइंट से एक वायर हम दूसरे 5-पिन सॉकेट न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट कर दिया है। अब हम 5-पिन सॉकेट का एल वाले पॉइंट से जिस स्विच के साथ हमें कनेक्ट करना है उसके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इसके लिए हम येलो कलर का वायर ले रहे हैं। दोस्तों, अलग अलग वायर इसलिए लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ सके कि कौन सा पॉइंट हमने कहाँ दिया है। देखिए दोस्तों, हमने एक एक वायर कनेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, हमने दोनों 5-पिन सॉकेट के जो स्विच के साथ हमें कनेक्शन करना था वो हमने कर दिया है और लगा दिया है। दोस्तों, अब हम दो मेन वायर निकालेंगे। तो दोस्तों, एक पॉइंट तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट से जाएगा जो हमारे लिए फेज का पॉइंट होगा, और एक वायर दोस्तों आपको मैंने बताया था न्यूट्रल का पॉइंट है, तो न्यूट्रल वाले पॉइंट से जहाँ जहाँ न्यूट्रल का वायर गया है वहाँ से कहीं से भी एक वायर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने फेज वाला पॉइंट स्विच चारों स्विचों के बीच वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया है, वहाँ से लिया है। आप कहीं से भी दोस्तों एक पॉइंट बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों, अब हम न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम होल्डर का कनेक्शन एक दूसरे के साथ करेंगे। तो एक पॉइंट तो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से ही लेंगे जिससे हमें होल्डर का कनेक्शन करना है, और एक वायर दोस्तों हम न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल पॉइंट का आप कहीं से भी ले सकते हो जहाँ पर नीले कलर का जो वायर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम इस वाले 5-पिन सॉकेट से न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर रहे हैं।
दोस्तों अब इसी तरीके से हम दूसरे होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तो जिस जिस तरीके से हमने पहले जो भी है होल्डर उसके साथ कनेक्शन किया, उसी तरीके से दूसरे जो भी होल्डर उसके साथ कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, एक वायर तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, दूसरा स्विच हमारे पास बच रहा था उसका। और एक वायर दोस्तों हमें न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, जो ब्लू कलर का वायर जिसमें हमने न्यूट्रल पॉइंट लगाया है दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने दोस्तों पहले होल्डर का जो कनेक्शन किया, उसी तरीके से दूसरे होल्डर का कनेक्शन करना है। तो इसमें ही एक वायर न्यूट्रल का कनेक्ट करके फिर लगाना है दोस्तों। फिर हम आपको बोर्ड चालू करके भी आपको बताएंगे। कि जो भी हमारे द्वारा जो भी जानकारी है वो बताई है वो सही है या नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें, क्योंकि हम दोस्तों एक एक पॉइंट आपको चेक करके बताएंगे जो भी कनेक्शन हमने किया है वो वाकई सही किया या नहीं किया। देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट कनेक्शन तैयार हो चुका है दोस्तों। अब एक एक पॉइंट को आप आसानी समझे दोस्तों। जो ब्लू कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल का पॉइंट है, और जो रेड कलर का वायर दोस्तों हमने बाहर निकाला था, जो चारों स्विचों के साथ कनेक्ट किया था, वो हमारा फेज पॉइंट है। और फिर एक एक पॉइंट जो भी होल्डर के साथ करना है वो पॉइंट भी हमने लगा रखे हैं, और जो दोनों पाइपिंग सर्किट के जो पॉइंट हैं उन्हें भी हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। हम बोर्ड के वायर लगा के फिर आपको चेक करके बताते हैं कि जो भी कनेक्शन हमने किया है वो कैसे किया या नहीं किया। तो इसके लिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा देख के, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, अब हम दोनों वायर बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हम बोर्ड में वायर कनेक्ट करते हैं, फिर आपको चालू करके भी आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड के वायर लगा दिए हैं, अब हम बोर्ड को चालू करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम दो बल्ब लगा लेते हैं होल्डर में। दोस्तों बोर्ड में वायर लगा था लेकिन वायर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सही से नहीं लगा, इसलिए हम दोबारा वायर निकाल के फिर दोबारा वायर सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमने स्विच के साथ होल्डर कनेक्शन किया था वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों दोनों। और जो दोनों फाइव पिन सॉकेट, उन्हें हमने लास्ट की जब दो फाइव पिन सॉकेट दो स्विच बताते हैं, उन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन कर रखा है दोस्तों। हमारे द्वारा बताया गया जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम आपके सामने नए वीडियो लेकर आएँ तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद दोस्तों।